नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। आप सभी को पता है कि दोस्तों सीजीएल 2024 का पेपर जो है वो सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल्ड है और उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गया हूं मैं। आप सभी को पता है कि लगभग अभी 10,500 वैकेंसीज जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स ने SSC को इतनी वैकेंसी भेजी है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली हैं। अब SSC उसमें से कितनी टेंटेटिव वैकेंसी सीजीएल 2024 के लिए शेड्यूल करता है ये देखना बाकी है ना। 10,000 प्लस वैकेंसीज इसलिए मार्केट में एक फंडा चल रहा है कि डिपार्टमेंट्स ने SSC को बताया है 10,000 वैकेंसीज खाली हैं। हो सकता है सारी की सारी वैकेंसी सीजीएल 2024 में कंसिडर हो जाए, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि मोदी जी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, वो पूरा हुआ नहीं है, तो उसके अंदर ये सारी वैकेंसीज भी इनकलकेट होगी और उसके बाद में 10 लाख नौकरियाँ कंप्लीट होगी। ठीक है, रही बात अगर मैं बात करूँ इस वीडियो की, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली बहुत काम की है आप सभी के लिए, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि पोस्ट और लोकेशन इन दो चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं इसमें। आप सभी को पता है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा एक तो कि प्लीज़ कमेंट कर दें अगर आप मेरे व्यूज़ से मैच करते हो। तो मेरी पोस्टिंग अभी दिल्ली में है, 4600 ग्रेड पे की एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी पर मैं काम कर रहा हूँ। सीजीएल 2020 से मेरा सिलेक्शन हुआ था, लगभग 1.5-2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है हर नौकरी में, है ना। प्रोबेशन पीरियड का मतलब है कि आप टेम्प्रेरी बेसिस पर रहते हैं, या मतलब बोल सकते हैं उसको कि परमानेंट ही है आप, लेकिन एक प्रोबेशन आपका एक टेन्योर होता है जो कंप्लीट होने के बाद में आप डिपार्टमेंट में परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा व्यू यह है कि आज मैं ये सोचता हूँ कि इससे अच्छा तो मैंने अगर 2400 ग्रेड पे की टैक्स असिस्टेंट अपने शहर में ले ली होती या 4200 ग्रेड पे की अपने प्रदेश में ले ली होती तो मैं बहुत खुश होता, या मैं बहुत कुछ दूसरी चीज़ें कर सकता था, या मैं अपना फोकस जो है वो कहीं और भी लगा सकता था, या मैं बहुत खुश रहता। देखिए आप सभी को एक बात बता दूं दोस्तों, जितने भी लोग जैसे राजस्थान से जो आते हैं उनके लिए दिल्ली बेस्ट है क्योंकि यहाँ से 3 घंटे ट्रैवलिंग के लगते हैं मात्र। राजस्थान में आपको कहीं पे भी जाना है, दिल्ली में आने का सबसे अच्छा फायदा यही है कि दिल्ली के जितने भी ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में ही लोकेटेड है, तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे बाकी जोन्स में क्या होता है, चंडीगढ़ जोन सबसे ख़राब जोन माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें लद्दाख भी आता है, जम्मू कश्मीर भी आता है, तो हो सकता है आपकी पोस्टिंग वहाँ पर भी हो, और परमानेंट पोस्टिंग वहाँ हो तो समझ में आता है, लेकिन हर 3-4 साल 5 साल 6 साल बाद आपको वहाँ से शिफ्ट करना होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो पहली चीज़ तो हम पोस्ट कैसे चूज़ करें, अभी हमारे दिमाग में क्या पोस्ट हम लेके चलें। तो जितने भी लोगों को ये ख्वाब है कि मुझे वर्दी चाहिए, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ ऐसा कुछ खास उस वर्दी में नहीं है, और कोई पावर आपके पास में अलग से नहीं होती है कि आप सोच रहे हो मेरे पास 3 स्टार वर्दी आ जाएगी तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। आप एक नॉर्मल नौकरी में हो तो आप कोशिश ये करें कि अपने घर के पास वाली नौकरी हमेशा प्रेफर करें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर के पास में कौन सी नौकरी है? सबसे पहले तो हर डिपार्टमेंट के बारे में सारी जानकारी ना आपको गूगल पे मिलेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? आप जैसे गूगल पे जाओगे, आप लिखोगे ना GST jurisdiction, तो आपको GST के बारे में, जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है वो GST में काम करते हैं, कस्टम्स में काम करते हैं, तो GST के बारे में आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। जैसे भोपाल जोन आपने लिया, भोपाल जोन के अंदर क्या क्या जगह आती हैं, कहाँ कहाँ पे ऑफिसेज हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो आप वो चीज़ें चेक कर सकते हो। जैसे CGDA में अकाउंटेंट हो आप, तो CGDA आप गूगल पे लिखोगे ना CGDA ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया इन विच वी गेट पोस्टिंग थ्रू SSC, आपको सारे ऑफिसेज की लिस्ट मिल जाएगी। इससे क्या होगा ना, आपको वहाँ के कॉन्टैक्ट में मेल ID मिल जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन होता है, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो उसके बाद में आप उनको मेल कर सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स अगर आपकी मदर की तबीयत खराब है, आप सिंगल चाइल्ड हो, तो शायद हो सकता है वो लोग कंसिडर करें इस चीज़ को। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप कोशिश ये करें, 2400 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे इनसे कोई मतलब नहीं होता है, 2400 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे इनका कोई सेंस नहीं बनता है, 2400 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे ये सब बातें थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आएगी जब आप डिपार्टमेंट में आओगे कि इनका कोई इतना खास सेंस बनता नहीं है। ठीक है सैलरी का फ़र्क आता है 15-20 हज़ार रुपये का मानता हूँ, और अगर आप लोगों को घर की मोह माया नहीं है, लेकिन देखो घर के अलावा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप दूसरी जगह जाते हो उसके माहौल में ढल पाना, है ना, उसके साथ लोगों वहाँ के लोगों में घुल पाना, वो सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं आपके ऊपर। समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ कि भैया हमें हमारी लोकेशन कैसे मिलेगी, हमें हमारी मनचाही पोस्ट कैसे मिलेगी, उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है दोस्तों, अच्छी रैंक लाना। अगर एक बार आप अच्छी रैंक ले आते हो उसके बाद चांसेस हैं कि आपको मिल जाए। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, हमारी बचपन में काउंसलिंग होती थी 12th के बाद में, तो जितने लोग इंजीनियर उन्होंने IIT का एग्जाम दिया हुआ, जिसकी IIT में अच्छी रैंक आती है उसको IIT बॉम्बे मिलता था, उसमें कंप्यूटर साइंस मिलती थी, जिसने BSc किया उसको BSc का पूरे स्टेट का सबसे अच्छा कॉलेज मिलता था, उसमें प्लेन या PCM जिसके साथ BSc करना, मतलब सारा खेल वही है। अगर आपके मार्क्स और आपकी रैंक अच्छी है तो आपको जहाँ पोस्टिंग चाहिए वहाँ भी मिलेगी, और जो पोस्ट चाहिए वो भी मिलेगी। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे भोपाल जोन है, मान लो आपको भोपाल जोन मिल गया, अब भोपाल जोन में बहुत सारी जगह आती है, जबलपुर आता है, उज्जैन आता है, इंदौर कमिश्नरेट आता है,
आता है, नागपुर आता है, रायपुर आता है, छत्तीसगढ़ का भी एरिया आता है। अब इसमें से कोई जरूरी नहीं है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक सेकंड है, आपने भोपाल लिया तो आपको आप इंदौर चाहोगे तो इंदौर ही मिलेगा, नहीं। इसके बाद जो अंदर पोस्टिंग होती है वो रैंडम होती है, हो सकता है जिसकी 3000 रैंक है उसको आप इंदौर मिल जाए और आपको रायपुर फेंक दिया जाए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? तो थोड़ा सा ना ये सारी चीज़ें जरूर कंसिडर करना। सबसे मेन चीज़ है मेहनत, अगर मेहनत आपने तगड़े तरीके से कर लेना तो आपकी रैंक अच्छी आएगी, और रैंक अच्छी आने के बाद में आप डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सारी पोस्ट आपके हाथ में रहेगी। देखो जिन लोगों को मिनिस्ट्रीज़ में आना है ना, जैसे ME CSS, उनको तो दिल्ली आना ही पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में ही उनके सारे ऑफिस हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? लेकिन जो लोग अपने घर के पास रहना चाहते हैं, देखो घर से अच्छा सुख कुछ नहीं होता भाई, मैं ये देख चीज़ देख चुका हूँ, है ना, मैंने गलती करी थी, आप सभी लोगों को समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि जितने भी लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं ना वो जेन्युइनली प्लीज़ कमेंट करें, ताकि ये जितने भी बच्चे हमारे देखते हैं हमारी वीडियोज़ को, उनको फील हो ये चीज़ कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं, मैं कोई गलत बात करता भी नहीं हूँ, आप सभी लोगों को पता है, मेरे से बात होती रहती है वो तो जॉब वाले एस्पिरेंट्स की भी, ठीक है। तो जैसे दिल्ली है, अब यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, मेट्रो में आपको सुबह आना जाना, ये लाइफ नहीं चाहिए हमें यार, कि सुबह उठो मेट्रो में जा रहे हैं मेट्रो में आ रहे हैं, एक एक घंटा क्या है आपकी लाइफ, क्या है आप बताओ मेरे को। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितनी बड़ी जगह जाओगे ना उतनी आपकी वैल्यू भी कम होगी और उतना काम आपके ऊपर ज़्यादा डाला जाएगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जैसे गाँव का पटवारी कलेक्टर होता है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि पटवारी की बहुत वैल्यू है वहाँ पर, है ना। जैसे मेरे कुछ टच में लोग हैं जो पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्ट ऑफिस में है, समझना, बहुत छोटी जगह पर, लेकिन उनकी वैल्यू है, उनको सारे गाँव वाले जानते हैं, है ना। मतलब मैं समझ रहा हूँ आप लोग बोलोगे कि भैया आपकी क्या रिस्पेक्ट नहीं है, क्या रिस्पेक्ट है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरा कॉन्सर्न अगर समझ पाएंगे तो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पोस्ट और लोकेशन बहुत दिमाग से सोच के समझ के यूज़ करना। अगर आपको कोई बेवकूफ़ फालतू गाइड कर रहा है कि आपको ये मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी एंड दिस इज़ द फैक्ट, ये बात याद रख लेना मेरी, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि गांव का बच्चा जो एक होता है ना, जिसके पिताजी किसानी करते हैं या कुछ और काम करते हैं, जिसकी माताजी जो है वो छोटे से घरों में काम करती है, उसके लिए नौकरी बहुत बड़ी बात है, मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये चीज़ कि उसके लिए 4600 ग्रेड पे लगना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, उसका मतलब जब सिलेक्शन होता है तो गाँव में हार फूल माला पहनाई जाती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि अपने घर के पास में ही आपको लोकेशन मिले तो ज़्यादा अच्छा है, है ना। जैसे एक्स इंस्पेक्टर में मैंने आपको बताया, कस्टम्स में कुछ जगह होती हैं जहाँ पे हमको गाड़ी मिलती है, इंस्पेक्टर को अलग से एक गाड़ी मिलती है ना, लेकिन GST VST में आपको PV करने भी खुद मेट्रो से जाना है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग के ऊपर, आपकी लोकेशन के ऊपर, है ना। आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होती है। देखो सरकारी नौकरी लेने का मेरा और मेरे साथ में जितने भी लोग आप तैयारी कर रहे हो उनका एक मोटो हमेशा जरूर रहा होगा कि मेंटल पीस जो है वो सरकारी देती है, धीरे धीरे वो चीज़ कम हो रही है, होती जा रही है। मोदी सरकार जो है वो धीरे धीरे पावर टैक्स पेयर्स के पास शिफ्ट कर रही है, GST की बात करूँ तो हर जगह यही है, आपके ऊपर काम का लोड थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको सारी चीज़ें कंसिडर करके और सब कुछ सोच के, ताकि आपका मेंटल पीस कभी ना जाए, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, मेंटल पीस हमेशा सबसे प्रायोरिटी होता है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। आप ये क्रीम पाउडर चेहरे पे कुछ थोपने से कभी, आप, मैं बता रहा हूँ, यू कैन नॉट ग्लो, यू ग्लो एक्चुअली When you are happier inside, you glow automatically outside. ठीक है, आप लगा लेना ये लाली लिपस्टिक जो भी आपको लगाना है, पाउडर, इससे कुछ नहीं होता है, आप कितनी भी मुल्तानी मिट्टी थोप लेना, कुछ भी कर लेना, एक्चुअल रियलिटी है, आप जब अंदर से खुश रहते हो ना, आपको जब मज़ा आता है तो आपका चेहरा एकदम खिलखिला रहता है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं नास्तिक में, CGDA में ऑडिटर पोस्टेड है, उनकी जो लाइफ है ना, मतलब आप बोल रहे हो कि भैया आपको नहीं पता वहाँ पे क्या क्या चलता है या वहाँ पे परेशान भी लोग, मानता हूँ मैं परेशान है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो शाम को 2 घंटे वॉलीबॉल खेलते हैं क्योंकि आर्मी के क्वार्टर्स हैं बगल में, तो आर्मी का तो बहुत अच्छा वो होता है ना। अब ये सब चीज़ें हमें किसी ने बताई नहीं थी पहले, जैसे मैं एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, अब मैं यहाँ पे दिल्ली में नहीं चलता ये सब कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लोग लेदर की बॉल से खेलते हैं, तो वो सब चीज़ें हम नहीं कर सकते यार, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और जितने भी जॉब वाले एस्पिरेंट हैं उनको पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ के ऊपर ज़रूर प्लीज़ नीचे कमेंट करें, ताकि हमारे दूसरे बच्चे समझ पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, बाय।